अगर तुम भी एक एविएशन एस्पिरेंट हो और एविएशन इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हो और उस इंडस्ट्री के रिगार्डिंग तुमको रिलेटिव इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो यार यू आर एट अ वेरी राइट प्लेस, क्योंकि इस चैनल पे मैं एविएशन इंडस्ट्री के हर एक छोटी बड़ी चीजें जो है उसकी इन्फॉर्मेशन तुम तक पहुंचाता हूं। और आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उन लोगों के लिए जिनको एयरपोर्ट पे एक ग्राउंड स्टाफ के क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं उसके बारे में नहीं पता है। वैसे इस पर्टिकुलर वीडियो के टॉपिक के ऊपर मैं 4 वीडियोस बनाने वाला हूं जिनमें अलग अलग स्पेसिफिक जॉब रोल्स के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि जब हम ग्राउंड स्टाफ की बात करते हैं तो ग्राउंड स्टाफ एक बहुत बड़ा वर्क फोर्स होता है, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर एक अलग वीडियो, क्योंकि छोटे में इंफॉर्मेशन रहेगा तो ज्यादा इफेक्टिव बैठेगा। वेल हाय, मेरा नाम है अमित, AKA योर एविएशन गाय, और मैं पिछले 4 साल से एविएशन इंडस्ट्री में हूं, इसीलिए मैं तुम तक ऐसी अमेजिंग से और इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो ला पाता हूं। वैसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले दिल से तुम्हारा शुक्रिया मेरे वीडियोस को इतना ज्यादा प्यार देने के लिए और ये वाला वीडियो भी देखने के लिए। और तुम ये वीडियो देख रहे हो तो यार नियम के अनुसार प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना और उसके साथ जरूर से शेयर करना जिसको इस वीडियो की ज्यादा जरूरत। ग्राउंड स्टाफ ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि अगर तुमने कभी एयर ट्रैवल किया होगा तो तुम्हें भी ये चीज पता होगा कि एयरपोर्ट के अंदर भी तुम्हें ग्राउंड स्टाफ मिलते हैं, और जब एयरपोर्ट से बाहर आप जाते हो यानी कि रैंप एरिया जहां पे जहाज खड़े होते हैं वहां पे भी ग्राउंड स्टाफ मिलते हैं, जहाज के अंदर भी ग्राउंड स्टाफ मिलते हैं जब तक जहाज ऑन ग्राउंड होता है। तो आखिरकार इन लोगों के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहते हैं, कैसे इन लोगों के काम को जो है डिवाइड किया जाता है, यही सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगा, तो प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देखना। देखो ग्राउंड स्टाफ में बहुत सारे सब डिपार्टमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कस्टमर सर्विस, सिक्योरिटी, रैंप, केटरिंग, केबिन अपीयरेंस, ये सभी चीजों को मिला के जो है एक ग्राउंड स्टाफ वर्ड जो है ये बनता है। तो 4 वीडियो जो मैंने बताए हैं उनमें चारों वीडियो में अलग अलग सब डिपार्टमेंट्स के बारे में बताने वाला हूं, ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बने कि अगर आप किसी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हो तो वहां पे आपको एग्जैक्टली क्या करना पड़ेगा। तो आज के वीडियो के लिए मैंने जो डिपार्टमेंट को चूज किया है दैट इज कस्टमर सर्विस। अब आप अगर कस्टमर सर्विस ज्वाइन करते हो तो बीइंग अ कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी एयरलाइंस आपकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है उसको बताता हूं। सबसे पहली चीज जो कस्टमर सर्विस स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उसके जॉब रोल में आता है दैट इज रिजर्वेशंस वाला पार्ट, रिजर्वेशंस एंड रिफंड्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एयरपोर्ट्स पे जो टिकटिंग काउंटर्स होते हैं, जो रिजर्वेशंस काउंटर होते हैं, वो या तो एयरपोर्ट बिल्डिंग के बाहर कहीं लगे होते हैं या तो किसी ऐसी जगह पे लगे रहते हैं जहां पे लोग बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हैं विदाउट अ कंफर्म्ड टिकट एंड अ गवर्नमेंट आईडी। आप नॉर्मली जाके भी किसी भी एयरलाइंस के टिकटिंग काउंटर को एक्सेस कर सकते हो, तो वहां पे भी एक कस्टमर सर्विस स्टाफ की ही ड्यूटी लगती है, वो टिकटिंग, रिजर्वेशन, जितने भी क्वेरीज होते हैं, रिफंड्स होते हैं, सब चीज वहीं से असिस्ट करता है। सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कस्टमर सर्विस स्टाफ की होती है वो होती है किसी भी पैसेंजर का चेक इन करना। पैसेंजर आपके पास आता है टर्मिनल बिल्डिंग पे, आप सबसे पहले स्टाफ होते हो जिससे एक पैसेंजर मिलता है उस पर्टिकुलर एयरलाइंस के। आपको उस पैसेंजर को चेक इन करना है, उसके बैगेज में टैग लगाना है, आपको सिस्टम का पूरा नॉलेज होना चाहिए। अगर पैसेंजर का बैग ओवरवेट है तो आपको उसको ओवरवेट के इश्यूज को समझाना है, उससे पैसे लेने हैं। तो ये जितने भी ट्रांजेक्शन चेक इन वाले पॉइंट पे होते हैं ये कस्टमर सर्विस स्टाफ को करना होता है। देयर आफ्टर कस्टमर सर्विस स्टाफ को बोर्डिंग गेट पे जाना होता है। अगर कभी तुमने फ्लाइट से ट्रैवल किया होगा तो तुमने देखा होगा कि गेट के पास भी उस एयरलाइंस के स्टाफ रहते हैं जो आपके बोर्डिंग पास को स्कैन करते हैं और आपको उस पर्टिकुलर फ्लाइट के लिए आगे प्रोसीड करने के लिए बोलते हैं, तो वो काम भी कस्टमर सर्विस स्टाफ का रहता है। अगर कोई पैसेंजर एयरपोर्ट के अंदर नहीं मिल रहा है जिसकी फ्लाइट है अगले 10-15 मिनट में, या फिर सपोज लास्ट के 5 मिनट चल रहे हैं, तो वो कस्टमर सर्विस स्टाफ ही पैसेंजर को लोकेट करता है उस पूरे टर्मिनल बिल्डिंग में कि कैसे भी करके एक पैसेंजर जो है मिल जाए और उसकी फ्लाइट नहीं छूटे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कस्टमर सर्विस स्टाफ की होती है। फ्लाइट्स में मैनिफेस्ट पहुंचाना, एग्जैक्ट पैसेंजर्स का काउंट देना, लाइव चेक इन का काउंट देना, ये सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कस्टमर सर्विस स्टाफ की होती है। अगर किसी रीजन की वजह से फ्लाइट्स डिले हो जाते हैं और पैसेंजर्स
टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर रहते हैं, तो वहां पे पैसेंजर्स को कंट्रोल करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कस्टमर सर्विस स्टाफ की होती है। और इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी अगर ऑपरेट होती हैं तो वहां पे भी कस्टमर सर्विस स्टाफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, उसको भी बहुत सारी चीजों को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। खैर ये तो बात हो गई थी डिपार्चर की, अभी बात करते हैं अराइवल की, क्योंकि अराइवल में भी आपने ग्राउंड स्टाफ को देखा होगा काम करते हुए। अराइवल में भी कस्टमर सर्विस स्टाफ ही काम करते हैं, वहां पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोर्स अराइवल में ज्यादा कुछ रहता नहीं है, तो बैग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कस्टमर सर्विस स्टाफ की रहती है कि बैग्स अगर फटे हुए आ रहे हैं, किसी तरीके से डैमेज हो गए हैं, बैग आए ही नहीं है, बैग में से कंटेंट्स मिसिंग है, तो ये सारी चीज़ों की ऑन स्पॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी कस्टमर सर्विस स्टाफ की रहती है और वही पैसेंजर्स को बेटर तरीके से असिस्ट करते हैं कि पैसेंजर्स को वाउचर्स देने हैं, पैसेंजर्स को कैसे शांत करना है, सारी चीज़ें कस्टमर सर्विस स्टाफ की होती है। सपोज कोई इनकमिंग फ्लाइट डिले हो गई है और नेक्स्ट फ्लाइट जो है वो ऑन टाइम है, तो यहाँ पे भी कस्टमर सर्विस स्टाफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि वही ये इन्फॉर्मेशन आगे दूसरे डिपार्टमेंट को पास ऑन करते हैं जो कि होता है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। अब सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, क्योंकि इस वीडियो को मैं लंबा बिल्कुल से नहीं करना चाहता हूं। वैसे ये तुम में से बहुत लोग सोच रहे होगे कि क्या कस्टमर सर्विस स्टाफ हमेशा सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर ही काम करते, तो नहीं, अंदर नहीं बाहर भी काम करते हैं टर्मिनल बिल्डिंग के। किस सिनेरियो में काम करते हैं वो भी बता रहा हूं। अगर कोई बहुत ही वीआईपी या वीवीआईपी इंसान आ रहा है तो उसके लिए एक कस्टमर सर्विस स्टाफ जाता है उसको एयरक्राफ्ट से असिस्ट करके लाने के लिए। अगर कोई बच्चा अकेले ट्रैवल कर रहा है जिसको एयरलाइंस की भाषा में अनअकंपनीड माइनर कहते हैं, तो उसके लिए भी कस्टमर सर्विस का स्टाफ जाता है उसको बेटर तरीके से असिस्ट करने के लिए। तो बाहर भी काम करते हैं बट बाहर टर्मिनल बिल्डिंग के उनका बहुत कम रोल होता है, पर अंदर बहुत ही ज्यादा रोल रहता है। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले डिपार्टमेंट के साथ। तो प्लीज इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखना ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। विद दैट सेड, दिस इज योर एविएशन गाय साइनिंग ऑफ फॉर द डे। ख्याल रखना, लाइक जरूर से करना, याद है ना वीडियो के स्टार्ट में बोला था, और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।